नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा। बात करेंगे होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक बार फिर से पैसों की किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार एक बार और कर्ज लेने जा रही है। 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ही ये कर्ज लिया जाएगा। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो लेगी, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के पास 3,31,000 करोड़ का कर्ज है। 29 नवंबर को ये नया कर्ज लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 14 साल के लिए ये कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार लेने जा रही है। इससे 29 नवंबर 2037 तक चुकाया जाएगा। सरकार ने देश के सभी वित्तीय संस्थानों से 28 नवंबर तक अपना प्रस्ताव जो है वो बुला लिया है। इसके बाद जो संस्था सबसे कम ब्याज और सरकार की शर्तों के अनुसार कर्ज देगी उसे ही कर्ज लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में चल रही योजनाएं और विकास कार्यों के लिए ये पैसा जो है वो प्रदेश की सरकार लेने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कर्ज लेती है सरकार। रिजर्व बैंक के मुंबई ऑफिस में ऑनलाइन ई कूबर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम के माध्यम से ये नया कर्ज लिया जाएगा। इसमें प्रस्ताव भेजने के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया है। सुबह 7:30 बजे से ही और सुबह 11:30 बजे तक जो है ये प्रस्ताव जो है वो आमंत्रित किए जा सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे रिजर्व बैंक ये प्रस्ताव ओपन करेगी। बेस्ट ऑफर को स्वीकार कर उसे कर्ज लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कर्ज का हिसाब आखिरकार कैसे होता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास पहले से ही 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 20,817 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया है, जबकि पावर बॉन्ड और अन्य बॉन्ड के माध्यम से 6,624 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। 14,620 करोड़ जो है वो वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज है। केंद्र सरकार ने एडवांस के तौर पर 52,617 करोड़ जो है उन्हें मिल गए हैं। केंद्र सरकार से पहले ही अल्प बचत योजना में 38,498 करोड़ कर्ज जो है वो मिला है। बाकी का जो कर्ज है वो ले लिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।